केवे सुनत सगरा तू आंधो मत गुणिया और रे आंखियां दो दिनी पर मन विन सही ई मनुष्य ले सही जे चार दोई देखण ने बारे दो हिये रे माय जिन सुनिया वो निवारे जस यक जस रे सी अठे तने रेणु दिन चार केवे संत सगरा तू आंधो मत बनिया भाया आंधो मत अपारा भजन राजस्थान रा लोग उठा उठा देश प्रदेश ले गया हो आप लोगों ने भी स्टाइल में भजन सुनाऊंगा अपारो भजन गुजरात रा लोग भी गावे पांडा ठाला अवसर पीछे जा
जाने लग नहीं वा अन जाने लग जाने लगे नोबिड़ा जाने लगे ना अभिमान चौरासी में पड़ना I'm not the type.
अपने अपने माता पिता की, माता पिता की जय जरूरी है भाई। इस संसार में माता पिता ही सब कुछ है। अब कहीं है कि महापुरुष सारे कहने रहो वक्त भी अलग हुए। अपने सनातन पद्धति में दो धारा चाले हो भजन करने की, एक सगुण एक निर्गुण। सगुण भक्ति आए जैसे आप सत्संग कर रही हैं, माता जी की मूर्ति लागू रही है, घर में गणेश जी लागू रही है, हनुमान जी लागू रही है, माता जी लागू रही है, रामदेव जी लागू रही है, ये गृहस्थी के लिए सगुण भक्ति है। एक दूसरे दुख में सुख में अपन चले जाओ। निर्गुण वालो है, निर्गुण वालो वो एक अनादि नहीं माने, वो एक नाम स्वरूप देवताओं समझे को नहीं होता। शिव जी के दौर से ब्रह्मा जी को तो बहुत माने कौन, वो कहते एक ही है स्वरूप, कुछ है जो एक नहीं माने, वो निराकार है परमात्मा। अच्छी बात है, वो साधु महात्मा निरंकार ने माने। अब गृहस्थी हो अपनो ऐसा निर्गुण और बैठ जब है घर में बस तस्वीरें जरूरत कितनी गई। मैं एक जगह जागरण में चलियो गयो, देखो भाई वो बैठा है, मैं बहुत दुख फायदा है कलाकार को नहीं, मैं तो ये सत्संगी जीवड़ा हूँ। एक जगह जागरण में गया लेकिन मैं सिद्धांत रो मारो है नहीं, शरीर जरूर कमजोर है लेकिन मैं सिद्धांत सागे समझो तो कठे कौन करी गान बजाना उठाया कटी पैसा डूब भी सके आ सके जाए। मैं एक जगह गयो कोई भाई राम ले गयो मैंने, मैं जागरण चालू कर दियो बड़े भाई, मैं माता जी जे बोली एक जनों के मराठे माता जी मुझे जी चले गो नहीं हनुमान जी माता जी, मैं तो कहीं चल रहा है मारे मैं देवता न माना कौन, मैं थे देवता न मानो कौन, मैं देवता न छोड़ना कौन, आप राम राम मान लीजो, आप राम राम है गाड़ी मार करना है सामान मारो है, बाकी मैं लट्टू था ये कोई कौन, मैं मारे थारे बारे भजन था, मैं देवता ने छोड़ना कौन, थे देवता ने मानो कौन, कि मैं तो एक निरंकार नहीं माना मैं पैरों कपड़ो तो आप जिको क्या बर्तना नहीं देता यार बात करा बिरागरी चौकी लगेगी। गृहस्थी आदमी ने बिरागरी बात कर तो चौको लगेगी वो मुंह पार के दिशा मन तो की कौन सी सुबह पांच से नोट दिखे धीरे सी तो जिन पूछ क्या क्या पाप कमायो झूठ बोल कर, या तो कह दियो मुंडे हूं तो कह दियो को नहीं ले आ बोलो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। देखो जीव लारे जी को आज जी को चल रही है ना, इन कोई रोक कौन सके हो, अपा तो कहीं कौन पंजाबी आदमी है ना, वो रोटी जिमार जितो राजीव है भी तो 5,000 रुपया दे रही को नहीं रहे। लंगर देखो पंजाब में बारे बाप, लेने को हरि नाम है देने को अन्नदान, तिरने को आधीनता डूबण को अभिमान। चार भजन आ जाओ कलडीज बुनोरिया डंको दे हो जाए, मैं तो 20,000 नीचे कटे जावा ही कौन, ओहो बा भाई बा घरे रहो तो मैं देखिया नर नारायण दे है मुश्किल मिलना, आ मनुष्य शरीर की कीमत बहुत है, तुम सत को लेवो विचार असत पर हरना, धन जोबन परिवार थिर नहीं रहना। ए अठ कोनी रे सदा भाई अपार माई तार आपा खना गया रफांडा आफांडा आज इसी काम सागे की रही चाले कोनी, आने जाऊंता ने वागे नहीं वार तू साथ सुन लेना। इस दाजी महाराज क्यों है अभिमान पर क्यों है, जे करोला अभिमान तो 84 में पढ़ना अभिमान है ना। गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखी हमारे हिंदू धर्म में श्रेष्ठ ग्रंथ है, बीरमा ने लिखी है सचिव वेद गुरु प्रिय बोलत बे आस, एक रामचरितमानस की सोपाई है। तीन आदमी मीठा बोलोड़ा माड़ा है, तीन आदमी अगर मीठा बोले तो समझ लो आदमी रो सत्यानाश होना है। मैं नहीं कह रहा हूं गोस्वामी जी कह रही है सचिव, सचिव किन के पढ़े लिखे आदमी समझ जाए जी को लिखा पढ़ी करने वालों जी को आदमी रात दिन जिक्र सागे पीए मान लो अंग्रेजी में सागर है आदमी अगर सही नहीं है यार मीठो बोले नहीं समझ लो आप धीरे धीरे काम पक्को करे हो। वो आ रही नहीं कि भाई जी कहीं करो भी मोल वाला रूठोड़ा बैठा है
चिंता ना करो मन में करियो राजी वो बाजार में बिड़िया पीतो फिरे किन राजी करिए सचिव वेद रावण रा सलाहकार ही तो मारा और रावण मरतो थोड़ी वेद डॉक्टर मीठो बोलो काम रो कोनी करी डॉक्टर मीठो बोले आओ सा थोड़ी सी शुगर है काई टेंशन करो आ गोल की ले लिया और भली कितना ठोको नहीं बोले वा थोड़ा दिन काम पक्को है मेरी तो आंख लाल ही सी जगह मरो कितना खा ली तब के जो ने फट दिन भाई जी गोल की ले उड़ी है सचिव और वेद और एक गुरु कोई आदमी किर किनी कोई चीज सीखे वो मीठो बोलने लगा तुम कहीं चीज तू मारो चेलो है डोले के हिंदुस्तान में कटी जा दूसरे दिन लोग जागरण में नीचे आ जियो त्रिकटा खोटी कट सीख रहे हो वो हजार के गुरु जी मुंह का ली उतार ली स्टेज नीचे गुरु तो वो ही है जिसको मरते दम तक कसर काटतो रहे बिठाए सही बजा रहे तो वो कसर काट नहीं नहीं ये खोटी आ रही तो भले सुधार रही तीन आदमी कड़वा होना चाहिए जे उतरिया था वो पार तो गुरु का ले शरणा सदा रो अधीन ओ मामलो दोरो है रोजी ने लोटा गुरु जी ने आज जलाई जाए इनको काल जलाई जाए मानसा की माने कई गांव में कह देवे बुढ़ा बुजुर्ग के लिछ जी थे तो मर्जी हो कि नहीं लारे सीखा भी कौन मैं को बाजो गले में गादर गले में फिरूं कि आज जो सीख लो है कि कुनी पांच रुपए कोलान को आवी कोनी आई पांच चार दिन चाली कचा कच कचा कच कचा कच कचा जोड़ी बजे मारे कोई अन शब्द जी तेजी आई नहीं आज तुम ध्यान रखी बोलो कि भाई साहब आज तो मैं बुकिंग ले ली मार तो आप जागण है वाह भाई तू तो कलाकार बन क्यों तुम जा गया रा खुलो कौन मना करे थे बे कलाकार को नहीं बने भाई मारा बे मैं जिकर सके जाऊं तो जिकर स्वभाव देख दाने डांगरी ठोक दे दे ता अड़िया होता ए अभिमान और सत्संग गुरु है जिको ऐसो होनो चाहिए जिको कसरी काट तो चोखो लगे महापुरुषा पद लिखे है नी बहुत सोच समझ बड़ी सावधानी होनी एक वजन हमारे बाबा ही काफी समय से माहौल को दूर है और ए लोग में नापस में वजन गांव था तो जाऊं था तो गश्त मत है लेकिन रात रात जागना फिर वो करता कि आज कटे हम थे बताया बोलो और बुध रोल कटे बोले नहीं मैं आज यहाँ आधी रात में आज यहाँ चक्रियो काट और यार एक फरमाइश है वजन री हाँ वो वजन मैं आप लोगों को सुना दूं और बड़ी सुंदर रचना है जैसे